राम राम भाइयों। जैसे कि अभी सुबह हो गई है और अभी हमारी परी पहले स्कूल जाएगी, फिर हम जिम जाएंगे रेडी होके। लेकिन परी सुबह रो रही है स्कूल जाने से पहले, तो हम पूछ रहे हैं परी से, परी रूम रो काहे को रहे हो, क्या हो गया, मारा किसी ने, किन्ने मारा? मम्मी ने मारा। क्यों, मम्मी ने छलिम मारा? अच्छा, अब तुम फिर स्कूल नहीं जाओगे क्या? क्यों बाबू, स्कूल तो जाना पड़ेगा, पेपर चल रहे हैं ना, अच्छे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, पढ़ाई करते हैं ना, अच्छे बच्चे हो ना। सुंदर बच्चा कौन है, सुंदर बच्चे का नाम क्या है, जल्दी बताओ। गिन्नी नाम है उसका। तो गिन्नी रो खाया को रहा है, मम्मी की पिटाई करते? गंदी बात है बाबू, मम्मी की पिटाई नहीं करते। पर मम्मी को बोले, मम्मी मेरे को जल्दी जल्दी से अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाओ। अरे बॉडी दिखाइए अपनी, ए परी की बॉडी। पर एक बार स्माइल कर रही हो, स्माइल करता ऐसे ऐसे। परी क्या खा रहा है, कौन सा पराठा खरा बनाया, था? मेरी मम्मी ने प्यारे प्यारे मम्मी ने ना पराठा बनाया। है परी? ठीक अच्छा तो बोलो, है। परी ने क्या खाना है? पराठा? परी की मम्मी बोलती है, परी को गुस्सा आ रही थी। अच्छा, किस किस्म खा रहा है मेरी मम्मी परी? ने बोल दो, मेरी मम्मी ने प्यारे प्यारे मम्मी ने पराठा बनाया। अरे नहीं बोली, चल ठीक है तू बना ले बोल। परी की हो गई मम्मी से लड़ाई है ना, हमारी परी हमें बोलती तो गुस्सा करती है। ठीक परी की मम्मी से लड़ाई हो गई ना। परी किसको प्यार मुझसे करता तो है, मुझसे प्यार नहीं करती। पापा को प्यार करता है, मम्मी को? मम्मी को नहीं करता। चल तो मम्मा ड्यूटी चली जाएगी तो रह जाएगी। परी पापा का नाम क्या है? आज मम्मा ड्यूटी पे चली जाएगी ना तो रह जाएगी। और मम्मी का, नीलू दादी का मिला, मिला दादू का और लड्डू गोपाल, चाचू का? लड्डू गोपाल पापा का नाम, ये तो पापा का नाम नहीं बताया जाता, भूल जाती है। चाचू का नाम क्या है, बता दे। खाना तो मुझे पूजा करनी है इसलिए। तो राम राम भाइयों, अब ले लिया अपना वे प्रोटीन। उससे पहले भी ली तो मैंने दिन ली, तीन इडली, मेरे को 2-2.5 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल गया होगा। तो कल घर में इडली बनी हुई थी, रात को लाइट चली गई थी तो फ्रिज वगैरह ख़राब, मतलब बंद हो गया था, जिसकी वजह से सारी सब्जी वब्जी चावल वावल जो भी रखा था सब ख़राब हो गया। रोटी थी एक, लेकिन इडली बनी हुई थी, मैंने कहा इडली खा लेते हैं। तो 2-2.5 ग्राम का प्रोटीन उससे मिल गया, 24 ग्राम उससे मिल जाएगा, तो 26 ग्राम के आसपास अपना प्रोटीन हो जाएगा। उससे पिएगे और लगाएगा आज लेफ्ट और शोल्डर, उसके बाद फिर देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। फिर मिलते हैं अब जिम में और फिर जिम के बाद।
तो दोस्तों अब आ गए हम जिम से। वर्कआउट तो थोड़ी अच्छी हुई लेकिन जो कार्डियो है, मैंने सोचा था कि हम लेग्स के बाद भी ना अब से ना जंपिंग करने की कोशिश करेंगे अपनी कम से कम 2000, लेकिन मेरे को 1000 ही हो पाई है। अब 1000 शाम को करेंगे, लेकिन क्योंकि एक्टिविटी ना धीरे धीरे बढ़नी चाहिए जैसे जैसे हमारा टारगेट पूरा होने की तरह होएगा, तो कार्डियो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी उस टाइम पर। चलो ठीक है, वो तो होता रहेगा। अब लेते हैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील। हमारे पोस्ट वर्कआउट मील में है एक स्कूप प्रोटीन, 3 बेसन और सोयाबीन की टिक्के की सब प्याज मिली हुई है, ये हमारे कुछ मल्टीविटामिन्स, और ये है हमारी गिन्नी जिसको हम बोलते हैं परी। ये स्टैम्प लगी हुई है देखो फ़ोन में। परी क्या देख रही है, क्या है ये? अच्छा तुम स्कूल से आ गए। परी अभी स्टोरी सुनाइयो। इसकी मम्मी जो है ना फिर बिल्कुल भी पढ़ाती नहीं है मुझे, टाइम कहाँ मिलता है इन चीज़ों के लिए, और ट्यूशन में इसको छोड़ के नहीं आती है। अब जाऊंगी मैं, रात को आऊंगी 10 बजे। टाइम मिलता है मुझे इसे पढ़ाने के लिए, तुम्हें तो मिलता है टाइम? अब पढ़ाना इसको, नाइट में जाओगे ना पढ़ाना? ठीक है, इसे काम कराओ स्कूल का, पूछो इससे क्या सीख रही क्या नहीं करता है। सड़ी क्या पढ़ के आई स्कूल में आज? लो चलो, ये सब तो चलता रहेगा। अब हम लेते हैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील, ठीक है? जो हमारी गिन्नी है उसे बनाएगी हम गिन्नी बाई। क्या बनेगी परी? घर को सही करेगी, घर में स्कूल का छुड़वा उसका, कुछ नहीं आता इसका। परी क्या बनेगी? परी तेरे इसको छुड़वा दे तो घर में काम करा कर घर को, तो ठीक है? हाँ स्कूल तो जाती नहीं, तो पसंद नहीं स्कूल जाना, तो ऐसे कर तो घर में काम वाली बाई बन जाए, ठीक है गिन्नी बाई? ठीक है घर को क्या करा कर घर में, अब इसका 2-3 घर भी देगा ना वहाँ पर भी जाए करेगी, ठीक है? थोड़ा पैसा लाया कर कमा कर, पोछे लगाना सीख गई परी, पोछे लगाना सीख गई है, और झाड़ू लगाना भी सीख जाएगी, अब बर्तन वर्तन भी मांजा करेगी। अब इसका स्कूल जाना मतलब कुछ आता नहीं, इसका कुछ नहीं आता तो छोड़वा उसका स्कूल वगैरह घर में। हाँ।